कितना अच्छा काम हमारे शिल्प गुरु कर रहे हैं, स्वयं तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में अगली पीढ़ियों को भी तैयार कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं और आगे के लिए ये जो कई सारी कलाएं नहीं तो रह जाती हैं, उन सबको और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को हस्तकला के क्षेत्र में एक प्रकार से परमानेंट फीचर के रूप में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कारीगर अपनी परंपराओं, धर्म और संस्कृति की विरासत को सुंदर कलाकृतियों से संयोजित करते हैं और हमारी जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जिसको वास्तव में सालों साल तक फिर एक प्रकार से एक सिंबॉलिक रूप में प्रिजर्व किया जाता है और उसका आगे की पीढ़ियों को भी बहुत लाभ मिलता है। मुझे याद आता है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी और मैं कोट करना चाहूंगा। हस्तशिल्प में भारत की विविधता तथा असंख्य बुनकरों और कलाकारों की दक्षता नजर आती है और वास्तव में जब हम इनके काम को देखते हैं तो एक प्रकार से जो हमारा परंपरागत रहन सहन रहा है, शैली रही है जीवन की, वो सब कला के माध्यम से कैसे कैप्चर किया जाता है ये देख के बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है। हजारों सालों से हमारे कारीगरों ने पत्थर हो, धातु हो, चंदन हो, मिट्टी हो, ऐसे अलग अलग वस्तुओं से जीवन, उन सब में जीवन लाने के लिए नई नई विधियों और तकनीकों को तैयार किया है, उसका विकास किया है और देखकर वास्तव में एक नए प्रकाश का जोश आता है कि भारत में ये भी संभव है। हस्तशिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को आजीविका देता है और वंचितों को भी, कई समाज में ऐसे वर्ग हैं जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको शायद पूरा मौका ना मिला हो, उनको सशक्त बनाने के लिए भी एक माध्यम बनता है। हमारी नारी शक्ति, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के आजादी के अमृत महोत्सव के भाषण में भी किया था, हमारी नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है हस्तशिल्प और हस्तकला के क्षेत्र में और लगभग 50% से अधिक कारीगर हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। मैं उन सबको भी साधुवाद करता हूं, उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत दुनिया के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्रों में से एक है और हम वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। निर्यात के आंकड़े देखें तो हर वर्ष हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे सुंदर और पर्यावरण अनुकूल सामान आज की दुनिया की जरूरत है और वो दूसरे देशों में मशीन से बन रहे सामानों से कई गुना ज्यादा बेहतर है, सुंदर है और एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी का भी उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को जब मिलते हैं तब आप सभी के हाथों से बने सामान या कुछ ना कुछ बहुत सुंदर आर्ट पीस को भेंट करते हैं। आने वाले दिनों में G20 भी भारत प्रेसिडेंसी ले रहा है, 2 दिन बाद 1 तारीख को भारत को प्रेसिडेंसी G20 की मिल जाएगी। हैंडओवर तो इंडोनेशिया बाली में हो गई है और एक G20 में भी भारत एक अपने हुनर का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने रख सके, इसके लिए अलग अलग शहरों में लगभग 56 स्थानों में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अलग अलग देश के कोने कोने तक G20 की विभिन्न मीटिंग्स होंगी, उसमें भी हम प्रदर्शनी रख के भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक मौका देंगे दुनिया के सामने अपने पेश करने का, अपने हुनर को पेश करने का।
भारत ने एक संकल्प लिया है 15 अगस्त 2022 को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण हम सबके समक्ष रखे हैं। हम सबको प्रोत्साहित किया है कि हम संकल्प करें कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब भारत एक विकसित देश होगा, अ डेवलप्ड कंट्री, अ प्रॉस्परस कंट्री। और इस समृद्धि के लिए हम सबको मिलकर अपनी कर्तव्य भावना से, अपने पूरे जी और जान लगाकर, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो विकास की नई ऊंचाइयों तक जाए, एक ऐसा भारत जिसमें कोई पीछे ना रह जाए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ देश के कोने कोने तक पहुंचे जिसमें